देखिए आप लोग का एग्जांपल नंबर 18 है, तो उसमें दिया गया है कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है। एक मान लीजिए एक कर्व है जिसकी फैमिली दी गई है, अगर कोई किसी कर्व के बारे में दिया गया है उसमें कहा गया है कि इसका जो पॉइंट है, कोई एक पॉइंट मान लिया आपने आर्बिट्रेली ले लिया है एक्स कॉमा वाई, उस पॉइंट पर जो आपका स्लोप है, जो आपको उस पॉइंट का क्या है जो स्लोप यानी कि जो प्रवणता है, प्रवणता क्या होती है डी वाई अपन डी एक्स या फिर डी डी एक्स ऑफ वाई, वो क्या है इसके द्वारा ये दिया गया है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन टू एक्स वाई है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो स्लोप है जिस कर्व का है वो कर्व आपका ये है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, वो आपका ये कोई एक कर्व है जिसका स्लोप आपका ये दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको ये कर्व मिलना चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अगर लीनियर होगा तो वेरिएबल सेपरेबल द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल सेपरेबल द्वारा हो नहीं पाएगा, तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। हो गया, तो अब हम इसको पहले चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसमें अगर हम क्या कॉमन ले लें, एक्स कॉमन लें कि वाई कॉमन लें, एक्स कॉमन लें, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, आपने ऊपर एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया ये आपका वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपका नीचे क्या है आपका यहाँ पे, अगर आपने मान लिया यहाँ पे काम ले लिया क्या एक्स स्क्वायर, आपने यहाँ पे काम ले लिया टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये एक फंक्शन एच अपॉन मतलब एच ऑफ वन वाई बाई एक्स के फॉर्म में आपको मिल गया है, एच ऑफ वाई बाई एक्स या फिर जी ऑफ वाई बाई एक्स जो भी आप कर लीजिए। तो हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे प्राइमरी मेथड क्या है आपका वाई इक्वल टू क्या हम लोग रखते हैं वी एक्स। ठीक है, तो इससे क्या आएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका हो जाएगा क्या है v प्लस यहाँ पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ऐसे क्या है यहाँ पे वन प्लस v स्क्वायर अपॉन टू v, ये होगा यस सर। यहाँ देखिए वन प्लस वाई बाई एक्स है, वाई इक्वल टू वी एक्स आपने लिखा है, तो वाई बाई एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं वी, यहाँ भी क्या हो गया वी, ये हो गया क्या आपका वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी, और वी वी को धर लाइए आप तो आपका हो गया एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी माइनस वी, ये हो जाएगा आपका वन प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन टू वी, तो आपका यहाँ से आएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी। अब क्या करेंगे हम लोग वेरिएबल से प्राइमरी मेथड लगाएंगे, डी वी के साथ इसको लाएंगे और एक्स के साथ इसको लाएंगे, तो हमारा यहाँ पे अब क्या होगा टू वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर डी वी प्लस टू डी एक्स अपान माइनस नहीं होगा डी एक्स अपान एक्स, हम इसको क्या कर देंगे दोनों साइड
इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस वी स्क्वायर है। अगर आप 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी, तो जो हमारे पास आएगा क्या, माइनस टू वी डी वी, माइनस टू वी डी वी क्या हो जाएगा, डी टी। यहाँ पे टू वी है, आपको एक माइनस साइन बाहर लगाना होगा, तो माइनस अगर इसको हम लोग कर दें, ठीक है, ठीक है, माइनस टू वी डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ वही आप मान लीजिए, आप लोग अरे हम मान लें 1 माइनस वी स्क्वायर क्या मान लीजिए, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा, अगर मान ले इसको, अगर हम क्या मान ले, वन माइनस वी स्क्वायर को टी मान ले, तो माइनस टू वी डी वी क्या हो जाएगा, डी टी, क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी, डी टी बाई टी, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ टी, तो ये हो गया माइनस साइन लॉग मॉड ऑफ टी, ये क्या हो गया आपका, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, mod t is equals to log of mod x plus c। अब हम इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस log of mod t माइनस log of mod x is equals to क्या हो गया आपका, c हो गया। माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका log mod t प्लस log mod x equals to minus c। अब जो वेरिएबल्स हम t की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस v स्क्वायर प्लस log mod of x equals to क्या आ जाएगा, माइनस c। अब देखिए log m प्लस log n, log m into n हो जाएगा, सर उसी की वैल्यू यहीं पर रख देते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं कि log ऐसे 1 माइनस y बाई x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका इंटू क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है, ये क्या है आपका माइनस c, log क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन, देखिए एक्स स्क्वायर था यहाँ से एक्स के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा किसके बराबर, माइनस सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, अगर देखिए ध्यान से इसको हम ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है अपन, ये इसको ई पावर समथिंग लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो जाएगा आपका ई पावर माइनस सी, ई पावर माइनस सी। अब देखिए जो ई पावर माइनस सी है ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा कि नहीं, ई के पावर वन ले ले, टू ले ले, कुछ भी ले ले, माइनस वन माइनस टू, तो क्या गया हमको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, उसको हम लोग कैपिटल सी मान लेते हैं। तो यहाँ से आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लीजिए क्या हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर, मान लीजिए क्या है कैपिटल सी, मान लीजिए यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी एक्स, और यही आपका क्या है आंसर, यही आपको फाइंड आउट करना था कि ये यही कर्व है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया था, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 9.5 हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। उससे पहले आपको ये प्रूव करना है कि क्या है आपका ये जो इक्वेशन है ये क्या आपका होमोजीनियस है। तो चलिए देखते हैं, तो आपका हो गया ये डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई,
एक्स वाई। देखिए एक्स का स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन किया गया है, यानी कि हम क्या करें कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका कॉमन, बचा गया आपका वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स। यानी कि ये फंक्शन क्या है, वाई बाई एक्स के फॉर्म में है, यानी हम लोग इसको क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर मान लीजिए आपका है ये कट गया, यानी हो गया ये आपका एक्स पावर जीरो जी ऑफ वाई अपॉन एक्स जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। यानी कि हमारा जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, वो आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर वही सेम चीज सेम प्रोसेस, क्या वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन ठीक है yes, अब हम इसमें इसके वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हो गया क्या आपका v प्लस एक्स डी डी एक्स वी इजकल्स टू, देखिए स्किप हो गया, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये वाला स्टेप में इसको लोग लिख देंगे क्या वन अपान वी स्क्वायर वन अपान वी स्क्वायर, इसको लोग ऐसे किए थे ना वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स, ये क्या हो गया वी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया वी, तो वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। अब हम अभी को कहाँ इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास आएगा एक्स डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू हो जाएगा, जब वी इधर आएगा तो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी माइनस वी। तो यहाँ से आएगी चीज़ें हमारे पास एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया आपका वन प्लस वी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, हमारा वी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी, हमारा ऊपर बचा क्या वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। ठीक है, तो एक्स डी डी एक्स एक्स डी डी एक्स वी क्या है हमारा वन प्लस वी वन माइनस वी माइनस वी अपॉन वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल हम लोग लगा देते हैं ठीक है, तो एक्स इधर जाएगा और इधर वाला टर्म इधर आएगा, हो जाएगा ये आपका वन प्लस वी अपान वन माइनस वी डी वी इसका सूत्र क्या रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको लोग ऐसे कर सकते हैं वन अपान वन माइनस वी प्लस वी अपान वन माइनस वी डी वी हो जाएगा आपका डी एक्स अपान एक्स। अब देखिए ये वन अपान वन माइनस एक्स के फॉर्म में है, इसको हम क्या कह सकते हैं मॉड ऑफ एक्स कह सकते हैं, और माइनस के कारण क्या हो जाएगा एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो ये अगर हम ये हो गया आपका ये मान लिया इसको क्या मान लीजिए, चलिए वैसे किसी इंटीग्रेशन का साइन हमने नहीं लगाया है, मान लीजिए इसको हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका माइनस लॉग मॉड ऑफ वन माइनस वी। यहाँ माइनस साइन क्यों आया है बाहर, क्योंकि ये जो v का साइन था क्या था, यहाँ माइनस साइन था ना, एक्स का कोफिशिएंट माइनस था इसलिए आ गया ये, और हो गया ये आपका प्लस। अब ये देखिए इसका डायरेक्ट अगर हम आइए वन माइनस वी को समथिंग मान लेते हैं तो क्या v dv हमको मिलेगा नहीं,
पीडीपी मिलेगा? नहीं बोला, तो इसको हम ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको अलग से इसको करना पड़ेगा। इसको वी अपॉन वन माइनस वी, और ये हो गया आपका डी वी, और ये हो गया आपका लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखिए इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है? देखिए अगर 1 माइनस वी इसको कर दे और प्लस वी कर दे तो एक टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको देखिए इसको हम किस तरह से कर देते हैं कि ये हमारा वी अपॉन 1 माइनस वी है, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे माइनस साइन होने वाली बाहर ले लिए, ठीक है, हो जाएगा ये माइनस वी हो जाएगा। इसको हमने प्लस वन कर दिया और माइनस वन कर दिया अपॉन वन माइनस वी कर दिया, ये हुआ क्या देखिए अल्टीमेटली वन माइनस वी अपॉन वन माइनस वी, ठीक है, वन माइनस वी अपॉन वन माइनस वी माइनस माइनस वन अपॉन वन माइनस वी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन हो जाएगा। अभी देखिए फिर वो वन अपॉन वन माइनस एस के फॉर्म में आ गया सिंपली, यानी कि हम अब इसको हम यहाँ से इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये होगा क्या, देखिए यहाँ से देखिए, तो जो हमारा ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसकी जगह हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ वन माइनस वी माइनस साइन, हमने माइनस साइन बाहर लिया है माइनस साइन, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन में डी वी वन माइनस जी अपन वन वन और माइनस वन अपन वन माइनस वी डी वी, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस लॉग वन माइनस वी माइनस वी, माइनस वी देखिए इस माइनस के साथ ये माइनस क्या जाएगा प्लस, लेकिन वन माइनस वी है फिर जब उसका मतलब क्या आएगा ये तो माइनस लॉग ऑफ वन माइनस वी, इसको इसमें क्या आ जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। ये देखिए हम माइनस साइन कॉमन ले लें कि पूरा हर जगह क्या है माइनस है ना, तो हो जाएगा ये लॉग ऑफ वन माइनस वी का होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं, देखिए लॉग एम और प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लेकिन लॉग एम प्लस एम है तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, एम इंटू एम हो जाएगा ना, ये हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस वी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन में जो कॉमन लिया है वो इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस सी। अब क्या करेंगे हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए वेरिएबल जो इसको देखिए अभी एक्स वाई टर्म है, एक्स वाई टर्म को हम कहाँ लाते हैं इधर लाते हैं, एक्स वाई टर्म को हम क्या करते हैं इधर लाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो ऑफ हो गया था, तो आपके पास हमारे पास मिला क्या है कि लॉग मान वन माइनस वी का स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वी इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये लॉग एम प्लस लॉग एन के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया हमने क्या किया इसको एम इंटू एन कर दिया प्लस वी। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, हम वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वी की वैल्यू हमने क्या पुट किया होगा वाई बाई एक्स, वाई अपॉन एक्स क्या कर दिया हमने पुट कर दिया यहाँ पर वी और यहाँ पर वी। अब यहाँ देखिए एक्स को यहाँ से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और अपान एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे एक एक्स था तो उसके साथ कैंसिल हो गया, तो अपान यहाँ पे क्या बच गया आपका एक्स बच गया और प्लस वाई अपान एक्स इसको लिखा गया आपका माइनस सी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, हमको करना क्या है कि अब यहाँ से जब जो भी हम वैल्यू निकालेंगे तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ई पावर टर्म में, हम लोग क्या करेंगे इस टर्म को एक साथ रखें बाकी टर्म को एक साथ उधर ट्रांसफर कर दीजिए, हमने क्या किया यहाँ पे वाई अपान एक्स को क्या कर दिया उधर ट्रांसफर कर दिया, तो हो गया क्या लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स हो गया क्या माइनस सी माइनस वाई अपन एक्स। यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या प्राप्त हो गया आपको ये किसके बराबर होगा ई पावर माइनस सी माइनस वाई अपन एक्स को, इसको हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
ई पावर माइनस सी इंटू ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर तो माइनस सी माइनस वाई बाई एक्स ऐड हुई है, इसको ऐसा देख सकते हैं। हमने क्या मान लिया, ये देखिए ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ही दे देगा, हमने इसको क्या मान लिया, कोई कैपिटल कांस्टेंट सी मान लिया, यानी कि सी इंटू ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। फिर आप एक्स को इधर ले जाइए तो ये आपको मिल गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सी इंटू एक्स ई पावर माइनस वाई बाई एक्स। यही आपका क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया था उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए दिया गया है आपका वाई प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। वाई प्राइम ये चाहे इसको आप बोलिए डी डी एक्स ऑफ वाई, बात क्या है एक ही है। हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको क्या होगा ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब पहला काम आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। देखिए अगर आप यहाँ पे आप क्या काम कॉमन लेते हैं, अगर आप यहाँ पे एक्स कॉमन लेते हैं ऊपर क्या होगा आपका वन प्लस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपका एक्स आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी कि क्या है ये आपका जी आप वाई बाई एक्स के फॉर्म में हो गया, यानी कि क्या है आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको सॉल्व करना है तो बस वही हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे क्या वाई इक्वल्स टू वी एक्स या फिर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिला क्या v प्लस x d dx ऑफ v, ये मिला क्या यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 प्लस v, 1 प्लस v। ठीक है, 1 प्लस v तो x हो गया आपका वन प्लस वी माइनस वी, यहां से क्या हो गया आपका क्या आपका वी वी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहां पे डी वी इक्वल्स टू यहां पे क्या हो गया वन हो गया। अब तो वेरिएबल्स इन लगा देंगे आप तो डी वी बराबर क्या हो गया आपका डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको लोग क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर दें तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी क्या जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स प्लस सी, और ये क्या हो गया आपका वी को इनपुट कर देते हैं क्या वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा ये आपका log mod x plus c, तो y equals to हो गया आपका x log mod x plus c x। ठीक है, देखिए आंसर आया आप लोगों का। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है क्या x minus y dy minus x plus y dx equals to zero। चलिए देखते हैं इसको, ये आपका अगर हम यहाँ देखेंगे जो आपका x माइनस वाई डी वाई ये हो गया आपका x प्लस वाई डी एक्स, यहाँ से आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो गया आपका x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब वाई चेक करिए कि या क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है, होमोजीनियस है कि नहीं, तो यहाँ पे आप x का मान लीजिए ऊपर वन प्लस वाई अपान एक्स वन माइनस वाई बाई एक्स, यानी कि जो आपका दिया गया इक्वेशन है क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हो गया आपका x पावर जीरो जी ऑफ वाई बाई
एक्स के फॉर्म में होगा, यानी कि जो दिया गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या आपका होमोजीनियस है। अब वाइज को तो वीडियो सब क्या हम नहीं रख रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं ना डी वाई बाई डी एस की जगह पे, तो डी वाई बाई डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगर वाइज को तो वी एक्स रखते हैं हम लोग, तो डी वाई बाई डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू देखिए वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी। अब क्या करें, इसको हम ट्रांसफर कर दें यहाँ पे वी को, ठीक है एक्स माइनस वी, देखिए माइनस वी और ये जाएगा प्लस, ठीक है। तो आया हमारे पास x हो गया आपका वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन माइनस वी, वन माइनस वी, वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। चलिए वेरिएबल सिंबल मेथड लगाते हैं, तो ये हो गया आपका वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी हो गया आपका डी एक्स अपान एक्स। देखिए इंटीग्रेशन आपका इतना बढ़िया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आप उतने ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अगर इंटीग्रेशन आपका कमजोर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। अब देखिए अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ध्यान दीजिए अगर वन प्लस वी ये है क्या आपका वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो किसके फॉर्म में हो जाएगा टेन इनवर्स का, तो वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी डी एक्स वन एक्स, इसका क्या जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो यहाँ पे ए तो है नहीं, मतलब सॉरी वन वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स बी, इसका क्या जाएगा टेन इनवर्स बी, तो इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, देखिए अगर हम लोग देखिए अगर वन प्लस वी स्क्वायर हम लोग क्या मान लें टी मान लें, तो टू वी डी वी क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या है यहाँ पे वी है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं वन अपॉन टू टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी गिव्स क्या हो जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स प्लस सी, यहाँ से आपका हो गया टेन इनवर्स वी माइनस वन अपॉन टू। तो देखिए वन बाई ए क्या हो जाएगा वन बाई टी डी टी के फॉर्म है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ये आएगा लॉग मॉड ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा देखिए जो वन प्लस वी स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो चाहे हम मॉड लगाए चाहे ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कह देंगे वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका लॉग
मॉड ऑफ प्लस सी, ठीक है। अब इसको कई तरह से लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको हम इधर लेके टेन टेन यूनिवर्स के टाइम में लिख दें वैल्यू, चाहे जिस तरह से कर दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे हम वाई बाई एक्स फॉर्म में रखें टेन, उधर टेन को उधर ट्रांसफर कर दें, कई तरीके हैं सॉल्व करने के, कई आंसर्स के पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख दें देखिए, अगर ये जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे 1 बाई 2 वाला टर्म है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने में आपको क्या होगी दिक्कत होगी ना, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। जैसे अगर 1 बाई 2 जब यहाँ पे लाएंगे हम लोग तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये यहाँ पे x बाहर आएगा और यहाँ से x x कैंसिल होगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, समझ रहे हैं आप लोग, टोटल स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ से x बाहर आएगा, यानी अपान में क्या बचेगा x, अगर इसको लोग ऐसे कर दें हम अपान रूट यहाँ तक हटा दें तो ये आपका ऐसे आएगा और ये अपान एक्स और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, प्लस c, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है आपका tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,